नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि घर या दफ्तर में दर्पण या शीशे को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आजकल के समय में हर घर में दर्पण या शीशा जरूर होता है। दोस्तों, यह शीशा प्रतिबिंब देखने के काम आता है, जिसमें लोग खुद को निहारते हैं और खुद को संवारते हैं। दोस्तों, आईने के बिना अच्छे से सजने संवरने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए दोस्तों आईना हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आईना जहाँ हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं जय वास्तुशास्त्र में भी अहम भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में लगे किसी भी आईने में से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा कितनी अच्छी या बुरी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आईना किस स्थान पर लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आईना सही दिशा और सही स्थान पर लगा हो तो यह आपको लाभ देता है, यह आपकी सभी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों को दूर करता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका प्रयोग सही ढंग से ना किया जाए तो यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपके घर की सुख शांति भंग हो सकती है। इसलिए दोस्तों, घर में सुख समृद्धि, धन की बरकत और पारिवारिक सदस्यों में अच्छे संबंधों के लिए आईने को वास्तुशास्त्र के सही सिद्धांतों अनुसार सही स्थान पर लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आईने को घर या दफ्तर में लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में ऐसा दर्पण कभी नहीं लगाना चाहिए जिसमें चेहरा धुंधला, लहरदार, टेढ़ा मेढ़ा, खराब या गंदा दिखाई देता हो, क्योंकि दोस्तों हमारे चेहरे को ठीक ढंग से ना दिखाने वाला दर्पण हमारी प्रभाव मंडल या ऊरा को प्रभावित करता है। दोस्तों, ऐसे दर्पण को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दर्पण देखने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे उसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें घर या दफ्तर में ऐसे आईने को ना लगाकर हमेशा ऐसे आईने का प्रयोग करना चाहिए जिसमें चेहरा साफ और स्पष्ट दिखाई देता हो। इसके अलावा दोस्तों, घर या दफ्तर में ऐसे शीशे या दर्पण का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा शीशों को मिलाकर एक बड़े शीशे की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसे शीशे में देखने वाले व्यक्ति का शरीर खंडित दिखाई देता है, जो वास्तु के अनुसार गलत है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में रात को सोते समय पलंग या बेड के सामने भी आईना कभी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि रात को सोते समय अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग उस आईने में दिखाई देता है तो उस व्यक्ति के अंग में बीमारी या पीड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसी कारण बेडरूम में आईने को लगाना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई विवाहित जोड़ा ऐसे पलंग या बेड पर सोता है जिसके सामने आईना लगा हो, तो यह आईना उनके बीच तनाव और लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकता है और यह उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में आईने को बेड के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर को भी बेडरूम में सोने वाले बेड के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें भी बंद होने के बाद आईने का ही काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार घर में जगह की कमी के कारण बेडरूम में टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर या आईने को लगाना ही पड़े तो दोस्तों, इन चीज़ों को प्रयोग के बाद हमेशा किसी मोटे कपड़े से ढक देना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ भी कांच या आईना कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा आईने से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे दोस्तों आपको सकारात्मक ऊर्जा का कोई लाभ नहीं मिलेगा और इससे घर के सदस्यों की उन्नति की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर कांच या आईने को लगाने की भूल कभी ना करें, ताकि आपको सकारात्मक ऊर्जा का लाभ अधिक से अधिक मिल सके और आपके घर का वातावरण भी हमेशा शांत और खुशनुमा बना रहे। इसके अलावा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के सामने भी आईना कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आईना भी घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत ही वापस लौटा देता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के सामने भी आईना कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार
दोस्तों घर में रखे डाइनिंग टेबल के सामने आईना या दर्पण लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से दर्पण खाने के मेज या डाइनिंग टेबल पर रखे खाने के सामान को दुगना दिखाता है, जिसे वास्तु में बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती और इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। लेकिन दोस्तों डाइनिंग टेबल के सामने आईना लगाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि डाइनिंग टेबल आईने में पूरी तरह दिखाई देना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर या दफ्तर की दीवारों पर दो शीशों या आईनों को भी आमने सामने कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऊर्जाओं में असंतुलन पैदा होता है, जिसके कारण घर के सदस्यों में बेचैनी और उलझन पैदा होती है और इससे घर के सदस्यों के बीच अशांति, अधैर्य और मानसिक तनाव भी हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों घर या दफ्तर में दो शीशों या आईनों को भी आमने सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आईने को टीवी, एलसीडी या कंप्यूटर के सामने भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें भी बंद होने के बाद आईने का काम ही करती हैं। दोस्तों आईने को इन चीज़ों के सामने रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों घर में टीवी, एलसीडी या कंप्यूटर को भी आईने के सामने रखने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों घर या दफ्तर में आईना लगाते समय इस बात का ध्यान भी हमेशा रखें कि आईने में देखते समय आपका मुख ना तो ज़्यादा ऊपर हो और ना ज़्यादा नीचा हो। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आईने में देखते समय आपका मुख पूरा दिखाई देना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसे आईने में देखता है जिसमें उसका मुख आधा या कटा हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सरदर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों घर या दफ्तर में आईने को हमेशा उचित ऊंचाई पर ही लगाना चाहिए, जिसमें आईना देखने वाले का मुख पूर्ण रूप से दिखाई दे। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर या दफ्तर में टूटा हुआ या चटका हुआ आईना भी कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईने को घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों इन ऊर्जाओं के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि टूटा आईना सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और क्लेश रहने लगता है, जिससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर ऐसे आईने में घर के सदस्यों द्वारा अपना चेहरा बार बार देखा जाए तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी भी कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों घर या दफ्तर में टूटे हुए या चटके हुए आईने को भी कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर में कभी भी गोल, अंडाकार, तिकोने या अजीब आकार के दर्पण कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे दर्पणों के कारण घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए दोस्तों ऐसे दर्पणों को घर में लगाना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों घर या दफ्तर में नुकीले या तेजधार वाले दर्पण भी कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु के अनुसार बहुत शुभ और हानिकारक माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर या दफ्तर में हमेशा आयताकार या चौकोर आकार के दर्पण ही लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे दर्पण ही अच्छे और शुभ माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों सीढ़ियों के नीचे भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे लगा आईना भी नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है, जिससे घर के सदस्यों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बनता है। इसलिए दोस्तों सीढ़ियों के नीचे भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों शीशे या मिरर को अंधेरे कमरे में भी कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा, जिससे आपको कई प्रकार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अंधेरे कमरे में भी शीशे या मिरर को कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों दर्पण के फ्रेम का रंग भी ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दर्पण का अपना असर इतना ज़्यादा होता है कि यह जहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों आईने के साथ साथ इसके फ्रेम का रंग भी कभी ज़्यादा भड़कीला या तीखा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों दर्पण के फ्रेम का रंग हमेशा सफ़ेद, आसमानी, हल्का नीला, हरा, क्रीम आदि हल्के रंगों का होना ही उत्तम माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर या दफ्तर में आईने को लगाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आईना जहाँ भी लगा हो
उसमें हमेशा शुभ वस्तुओं का प्रतिबिंब ही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों दर्पण या शीशों को घर या दफ्तर के दक्षिण, पश्चिम, नृत्य, अग्नि या वायव्य कोण में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर लगे दर्पणों को बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आपके घर या दफ्तर में भी इन स्थानों पर दर्पण लगे हैं तो उन्हें तुरंत इन स्थानों से हटाकर उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में लगा देना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर लगे दर्पणों को बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।